हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। बहुत ही आसान चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग कितने टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आप अपनी नोटबुक निकाल लें और जिस सीरियल में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उस सीरियल में आप अपनी पढ़ाई करें। बुक रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, बुक के इम्पॉर्टेंट वर्ड लिखना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपका क्लास 10th है। सो आप कोई रिस्क नहीं ले सकते। So let's start with the chapter. Please note down the various topic which we are going to discuss in this video. तो आइए सबसे पहले chapter का जो नाम है वो है resource and development. बहुत ही clearly लिखा हुआ है। resource को हम लोग बोलते हैं हिंदी में संसाधन और development को बोलते हैं विकास। तो resource और development chapter में हम लोग देखेंगे कि संसाधन और उसका विकास कैसे किया जाता है। तो कोई चीज संसाधन क्यों है, कैसे है, इसको तो हम लोग देखेंगे। चूंकि आपका फर्स्ट लेक्चर है तो मैं आपको अभी इसमें बहुत ही साधारण टर्मिनोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा। तो आप सबसे पहले अपने टॉपिक को लिखें। सबसे पहले व्हाट इज रिसोर्स, संसाधन क्या है, क्या है, कैसे है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, सब जानेंगे पहले नोट पे। दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स। तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। फोर्थ वन टाइप्स ऑफ रिसोर्स। फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। सिक्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेवेंथ है रिसोर्स प्लानिंग। एट्थ है रिसोर्स प्लानिंग। दो टॉपिक्स है मैंने रिपीट कर दिया है, सो आप इसको सिंगल रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। 10th one is land resource, then land use pattern in India as well as its planning in India. फिर से देखें land use pattern in India as well as planning in India. Then आता है land degradation and conservation. Next one is soil as a resource. Next है classification of soils. And finally, we will discuss about soil erosion and conservation. तो इतने सारे टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। ये चैप्टर आपको पढ़ने के लिए क्यों दी गई है, क्योंकि जब तक आप इस बातों को नहीं समझेंगे पढ़ने में आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो सपोज करिए ये पेन आपके सामने है, मार्कर, मैं इसको बोर्ड पे आपके लिए कुछ लिख रहा हूँ, आप उसको देखकर पढ़ रहे हैं। तो ये आपके लिए रिसोर्स है, संसाधन है। तो आप बोलेंगे यस है। तो आप बोलेंगे कि क्यों, तो किस क्यों का उत्तर है कि इसको यूज करके मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ और उसको देखकर आप उतार रहे हो। यानी कोई भी चीज जिससे आपका कोई पर्पस फुलफिल होता हो, आपकी कोई जरूरत फुलफिल होती हो, वो आपके लिए संसाधन कहलाता है। बहुत ही साधारण, ठीक है। मैं आपको पेज बाय पेज डिस्कस करके पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, और उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं हमेशा बोर्ड पे लिखूंगा जिसको मैं डिस्कस भी करूंगा। सो मैं आपको आगे जो पढ़ाने वाला हूं वो फर्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज रिसोर्स। वो क्या होगा, व्हाट इज रिसोर्स। तो उस रिसोर्स को जानने के पहले आप इतने टॉपिक्स को प्लीज एक बार देख के उतार। Yes. So, सबसे फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज रिसोर्स। आप अपना पेज नंबर 1 प्लीज ओपन कर दें। मैंने बताया है कि मैं आपको पेज बाय पेज डिस्कस करूंगा, सो प्लीज ओपन योर पेज नंबर फर्स्ट। उसमें सबसे पहले आपको रिसोर्स के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज रिसोर्स। तो ध्यान से देखेंगे कि रिसोर्स होता क्या है। बड़ी साधारण अर्थों में आपको समझना है एनीथिंग, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, जो कि हमारे वातावरण में उपस्थित है, हमारे आसपास उपस्थित है, जो कि पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे, हमारे आसपास अवेलेबल है, अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट। सेकेंड, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है।
तीसरा टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा क्या हम उस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हुआ, एक्सेस करना मतलब वहां तक पहुंचना, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। एंड फाइनली अगर वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, ध्यान से देखिए, अगर वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है तो, फिर से सुनिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है तो वह इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। मैं इसमें एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा, आपने 9th क्लास में भारत का ये मैप पढ़ा होगा, इधर कौन सा है, अरेबियन सी, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल। ऐसा रिसर्च में बोला गया कि भैया यहाँ पर बहुत तेल है, यहाँ पर बहुत सारा पेट्रोल है, ये देखिए, चलिए अच्छी बात है, पेट्रोल तो है। अब क्या ये जो पेट्रोल अवेलेबल है ये रिसोर्स है, सच में है? चलिए हम इन पॉइंट्स से इसको चेक करते हैं, हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल है, है, हमारे नीड को पूरा करेगा, सेटिस्फाई कर रहा है, यस, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, यस, हमारे पास है, क्या वह इकोनॉमिकली फिजिबल है, आर्थिक रूप से व्यवहारिक, इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब होगा आर्थिक रूप से व्यवहारिक होना, क्या वह हमारे लिए आर्थिक रूप से व्यवहारिक है कि नहीं, चलिए चेक करते हैं। अभी मान लीजिए कि हमारे पास जो पेट्रोल आ रही है, सपोज करिए कि उस पेट्रोल की कीमत हमारे पास आते आते 70 रुपया पर लीटर है, ठीक है, बट अगर किसी कारण पर समुद्र की गहराई से उस तेल को निकालने की कीमत, किसी कारण बस समुद्र की गहराई से उस पेट्रोल को निकालने की कीमत और उसको हमारे तक पहुंचाने की कीमत अगर 100 रुपी हो जाए, तो अब बताइए इसमें से कौन सा प्राइस बेहतर है, 70 रुपए पर लीटर या 100 रुपीज पर लीटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 100 रुपी पर लीटर हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, हमारे लिए 70 रुपए पर लीटर फिजिबल, 70 रुपी पर लीटर। सो कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी रिसोर्स अगर होगा तो वो इन चार चीजों को एकदम से फुलफिल करना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट जो आपके बुक में दिया गया है वो पॉइंट है, फाइनली इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब, कल्चर का मतलब संस्कृति, एक्सेप्टेबल का मतलब एक्सेप्टेबल, तो क्या वो जो चीजें हम यूज कर रहे हैं क्या वो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होगा, अगर होगा तो वो भी हमारे लिए रिसोर्स होगा। तो प्लीज ओपन योर बुक का जो आपका है पेज नंबर फर्स्ट को आप ओपन करें, मैं पढ़ रहा हूं फर्स्ट पैराग्राफ, आप उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड, पॉइंट को नोट करिएगा, which can be used to satisfy our needs, provided, condition दिया है, provided, it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable. देखिए finally क्या बोला, culturally acceptable, और culture जो होता है वो ancient period से चला हुआ है, वो आज culture नहीं बना है, चाहे आपकी शादी हो, आपकी पूजा करने की पद्धति हो, वो पूर्वजों के समय से चला रहा है, तो यू कैन नॉट चेंज दैट, सो वो आपके कल्चर में भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फिर से देखिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, ठीक है। आइए अब हमारे बुक में फिगर 1.1 पेज नंबर 1 में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सो फिगर 1.1 को आप देखिए क्लियरली, उसमें एक टॉपिक है लिखा हुआ है इंटरडिपेंडेंट, ये देखिए इस फिगर को देखिए ध्यान से, बहुत आसान सा फिगर है, समझ लीजिएगा तो बहुत मजा आएगा।
इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। नेचर का मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब आपके आसपास जो चीजें हैं, दीज आर कॉल्ड योर नेचर। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी हिंदी में बोलते हैं, जनरली हम लोग इंग्लिश में टेक्नोलॉजी, सो टेक्नोलॉजी आपको समझ रहे हैं। और थर्ड वन इज इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन का मतलब एक एजेंसी भी होगी, एक औद्योगिक केंद्र भी होगा, एक डेवलपमेंट सेंटर भी हो सकता है, जहां पर कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी को बनाते हैं। चलिए देखते हैं ये फिगर एक्चुअली में क्या कहता है। ठीक है, सो आइए इस फिगर को एक्सप्लेन करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। ये ह्यूमन नेचर से, नेचर से ध्यान देंगे, रॉ मटेरियल लेता है। क्या लेता है? रॉ मटेरियल, कुछ भी रॉ मटेरियल कहां अवेलेबल है? नेचर। ठीक है, नेचर के बारे में यहां पे लिखा है फिजिकल एनवायरनमेंट। देखिए लिखा है क्लियरली, फिजिकल मतलब भौतिक वातावरण जो हमारे आसपास है। वहां से हम क्या लेते हैं? वहां से हम लेते हैं कच्चा लोहा, वहां से हम उठाते हैं मिट्टियां, वहां से हम अवेलेबल करते हैं पानी। सो एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, रिसोर्स के डेफिनेशन में सीखा। तो चलिए मैंने मान लिया कि आयरन ओर को मैंने, ध्यान से देखेंगे, आयरन ओर दिख रहा होगा आपको, इसको मैंने फिजिकल एनवायरनमेंट से मैंने ले लिया, नेचर से ले लिया। अब ह्यूमन ने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो क्या लोहा निकालने के लिए आप कुदाल का प्रयोग करेंगे? नहीं, आप मशीन्स लाएंगे। उस मशीन को बनाने के लिए ह्यूमन ने क्या इजाद किया? टेक्नोलॉजी बनाया। उस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए एक जरूरत आई हो, उस जरूरत के लिए उसने एक इंस्टीट्यूशन बनाया। इस इंस्टीट्यूशन को आप उद्योग भी बोल सकते हो या फिर कोई इंडस्ट्री का भी आप नाम दे सकते हैं, कुछ भी। तो देखिए ह्यूमन ने नेचर से आयरन ओर लिया, उसको निकालने के लिए उसने एक टेक्नोलॉजी लगाया, उस टेक्नोलॉजी को उसने इंस्टीट्यूशन में बनाया। अब फिर से आज आगे बढ़ते हैं, उस आयरन ओर को निकालने के बाद एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए माय डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया? हमने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाई, जहां पर कि हमने उस कच्चे लोहे को रिफाइन किया, और फाइनली रिफाइन करने के बाद हमने क्या बनाया? स्टील बनाया। क्या बनाया? स्टील बनाया। तो ये रिलेशन है इंटरडिपेंडेंस नेचर का, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। इसको ध्यान पूर्वक आप सुने, और नहीं समझ में आए तो फिर से देखिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, सो अब पेज नंबर वन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक टर्मिनोलॉजी आएगी, उस टर्मिनोलॉजी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे। ठीक है, सो कीप गोइंग, आप इसको देखिए ध्यान से और आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने आपको रिसोर्स के डिफिनेशन और फिगर 1.1 को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आपकी दाहिनी तरफ जो पैराग्राफ है उसको देखिए, मैं पढ़ रहा हूं फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने लिखा है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरएक्टिव रिलेशन, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है, फिर से बताऊंगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट, क्वेश्चन मार्क लगाया है। ठीक है, देखते हैं। देन फंक्शन, देन मैंने एरो लिखा है, ह्यूमन इंपॉर्टेंट फंक्शन, देखिए एरो मार्क के साथ दिया है, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। और फाइनली फिर से मैंने लिखा है ट्रांसफॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट, और मैं दो पैराग्राफ पढ़ूंगा फिर हम लोग क्लासिफिकेशन की ओर जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट involves an interactive relationship between nature, technology and institution. फिर से देखिए figure 1.1 जो मैंने थोड़ी ही देर पहले डिस्कस किया है। The process of transformation of thing, transformation
थोड़ा सा इस पे एक फिल्म का उदाहरण देता हूँ। आपने एक मूवी है हॉलीवुड की ट्रांसफॉर्मर, वो आपने देखा होगा। उसमें आपने क्या देखा है कि एक कार जो है रोबोट के रूप में आ जाती है, रोबोट जो है मशीन गन चलाने लगता है, वो क्या करता है अपने आप को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। तो देखते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरएक्टिव, इंटरैक्ट करना, एक दूसरे के साथ समाहित होना, एक दूसरे के साथ मिक्स होना, इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इन तीनों के बारे में मैंने आपको अभी बताया है कि कोई भी चीज जो है ट्रांसफॉर्म होता है उसके लिए ये तीन चीजें लगती है, और इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा जो उसके सेंटर में होगा। आप इस ट्रायंगुलर डायग्राम में देखें, इसके सेंटर में ह्यूमन है, ये ह्यूमन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी की व्याख्या, उसी का एक्सप्लेनेशन अगले लाइन में देखिए क्या लिखा है। ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विथ नेचर। आपने कभी सुना है अभी तक कि एक मशीन ने दूसरे मशीन को बनाया हो? नहीं। लेकिन आपने ये सुना होगा कि एक आदमी ने 10 मशीन को बनाया है। सो ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन। हम कोई भी प्रयोग करते हैं एक टेक्नोलॉजी का, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, हम बहुत सारे वैक्सीन बना रहे हैं। जब वो वैक्सीन हमारी फाइनल हो जाएगी, हम क्या करेंगे, एक फैक्ट्री लगाएंगे, एक इंस्टीट्यूशन लगाएंगे जहां पर कि हम बहुत बड़े स्तर पर कोरोना के वैक्सीन बनाएंगे और उसको फिर हम अपने अगले यूज में लाएंगे। टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लाइफ में कोई भी एक्टिविटी सदा याद रखिएगा उसका फाइनल पर्पस एक ही होगा, वो होगा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अलावे कोई उसकी वैल्यू नहीं है। आप लोहा निकालो, चांदी निकालो, सोना निकालो, आप कुछ भी करेंगे, आपका फाइनल एम क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। डू यू थिंक, ऑथर आपसे पूछ रहे हैं, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मैन। क्या आप सोचते हैं रिसोर्सेस नेचर का फ्री गिफ्ट है? आप में से कोई को लगता है? आप में से बहुत सारे लोग को लगता है, जैसे कि घर में मोटर चला दिया, पानी गिर रही है, अच्छी बात है। लेकिन कोई भी रिसोर्स जो आपके आसपास अवेलेबल है, हर एक की एक कॉस्ट है, एक कीमत है। सो हम अभी पढ़ रहे थे, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मैन। कोई भी रिसोर्स नेचर का फ्री गिफ्ट नहीं, उसके लिए कीमत होती है। अगर आप उस कीमत को नहीं समझते हैं तो वो जो रिसोर्स है वो वैनिश हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। आप एक एग्जांपल ले, कोई भी एक एग्जांपल ले, सोना, चांदी, लोहा। आपको नेचर ने एक लिमिटेड स्टॉक दिया है। जो मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ स्टॉक, ये आपको आगे पढ़ना है क्लासिफिकेशन में, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर आपने लोहे को सही से प्रयोग नहीं किया तो 100 साल, 150 साल, 200 साल में खत्म हो जाएगा। तो आपको उसका क्या ढूंढना होगा, अल्टरनेट खोजना होगा, ठीक है। रिसोर्सेस आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। कोई भी रिसोर्स को बनाने में बहुत सारी चीजें लगती हैं और वो फाइनली जो अराउंड होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज के अराउंड होता है, वो हमारे किए गए एक्टिविटी द्वारा ही बनता है, उसको हम ही बनाते हैं। सो रिसोर्सेस आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। Human beings themselves are essential component of resources. Human beings themselves are essential component of resources. बिना human being के कोई resource बन ही नहीं सकता है। So एक question आएगा आपके सामने कि how human being is an important resources? कि आदमी जो है सबसे महत्वपूर्ण resource क्यों होता है? तो कुछ example आप देख लीजिए। Israel, नाम सुना होगा, 80 लाख की आबादी है, लेकिन ये एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, इसके पास अपना कुछ नहीं। जापान लोहा अफ्रीका देश से मंगाता है
और आप ही को बेस्ट ग्रेड का स्टील 5 गुने दाम में बेचता है, फिर उसी पैसे से आपको लोन भी देता है और आपके मेट्रोज को भी वो फिनांस करता है। सो बड़ी सिंपल लॉजिक में देखिए, जापान क्यों आगे है, इसराइल क्यों आगे है, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो वो टेक्नोलॉजी कौन बनाएगा, ह्यूमन बींग बनाएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टाइप का क्या है, ह्यूमन बींग, ठीक है, ध्यान रखिए। आपके पास कुछ भी नहीं चलेगा, अगर आपके पास माइंडसेट है सो यू आर टॉपर, आप किस जगह बैठते हो ये मैटर नहीं करता है। आइए देखते हैं, ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इनटू रिसोर्सेस एंड यूज देम। ह्यूमन क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है अपने आसपास की अवेलेबल चीजों को और उसको फिर यूज करता है। चलिए, ये था एक बेसिक टर्मिनोलॉजी अबाउट रिसोर्स, मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू।